देखिए अभी हमने क्या किया है, अभी हमने करंट इन पी क्यू, हमने कंसिडरेशन क्या किया है, करंट इन पी क्यू कॉज इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड आर एस कंडक्टर इज कैप्ट इन दैट मैग्नेटिक फील्ड। आप ये कह रहे हैं कि आपने आर एस में करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं लिया, ले लो आप, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। ध्यान से देखो, अगर आप ये कहें, अगर आप चाहें कि मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड बाय करंट आई टू एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इंड्यूस्ड बाय आर एस एंड पी क्यू कंडक्टर इज कैप्ट इन दैट मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर यहाँ क्या आएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कितना आएगा, म्यू नॉट आई टू बाय टू पाई आर। ओके, और फिर यहाँ से फोर्स के लिए करंट इन पी क्यू, दिस विल बी द करंट इन पी क्यू आई वन, और मैग्नेटिक फील्ड से आपका आई टू आ जाएगा, बिल्कुल सेम यही का ही फॉर्मूला बन जाना आपका, कुछ भी चेंज नहीं आना, दोनों में से किसी एक कंडक्टर। हाँ बोलिए। अगर करंट सेम हुई दोनों में तो सर बीच में थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी बीच में इनके। अगर दोनों में करंट सेम रही तो बीच में मैग्नेटिक फील्ड होगा या नहीं होगा, देखो अभी हम फाइंड कर रहे हैं फोर्स, दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स, नॉट फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड का हाँ फॉर्मूला नहीं। सर, फोर्स फोर्स ही जब दोनों सेम रहेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे तो सर हाँ ये फोर्स का फॉर्मूला है, ये मतलब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला नहीं है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हो यहाँ इसके बीच पॉइंट पर, यहाँ इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगाओ भाई, दो मैग्नेटिक फील्ड होंगे यहाँ, एक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पी क्यू, अनदर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर एस, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में तो जुड़ जाएंगे, दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ अगर आपको पॉइंट मिड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इट विल बी इक्वल टू द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड बाय पी क्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट आई वन बाय टू पाई होल डिवाइडेड बाय टू पाई, और आर बाय टू लेना पड़ेगा फिर यहाँ आपको आर की जगह, अगर मिड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आपको चाहिए। ऐसे दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड हिसाब लगा लो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम आ रही है अपोजिट आ रही है, सेम आ रही होंगी तो ऐड हो जाएगा, अपोजिट आ रही होंगी तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसा है, जरूरी नहीं है कि फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड एक जैसे हों, फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग हो सकते हैं, अभी हम फोर्स की बात कर रहे हैं केवल। तो यहाँ अगर दोनों कंडक्टर्स में डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है तो फिर फोर्स ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर दोनों में डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर जाएंगे, चाहे किसी भी रूल से आप फाइंड कर लो, कैसे भी फाइंड कर लो, यही निकल कर आएगा। और इसका एक एक्सपेरिमेंट भी शायद आपके बुक्स में बना हुआ है, शायद एनसीईआरटी में ही बना हुआ है या दूसरी बुक्स में रेफरेंस बुक्स है उनमें बना हुआ है, क्या कि एक स्प्रिंग ले ली, एक हल्के से तार की स्प्रिंग, सॉफ्ट स्प्रिंग, सॉफ्ट स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट बहुत कम है, यानी आराम से दब सके, आराम से ये खुल सके, ठीक है। इस स्प्रिंग का जो निचला सिरा है, जो लोअर एंड है, लोअर एंड इसमें डुबो रखा है एक एक पॉट में, और इस पॉट के अंदर भर दिया है मरकरी HG, करेक्ट। ये यहाँ ऊपर आपने एक रिजिड सपोर्ट से इसे लगाया हुआ है, और आपने फिर क्या काम किया, आपने ये काम किया कि यहाँ से स्प्रिंग को जोड़ दिया पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, और मरकरी को जोड़ दिया निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, या उल्टा भी कर सकते हैं आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ करंट सेटअप हुई, देखो करंट सेटअप हो गई, वो करंट यहाँ कहाँ होगी, ये करंट हो जाएगी, ये वाली करंट हो जाएगी, तो इसके जो छल्ले हैं, जो रिंग्स हैं, इनमें सेम डायरेक्शन में करंट है, इस रिंग में, इस रिंग में, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, सब अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, अट्रैक्ट करने से, क्योंकि स्प्रिंग हल्की सी स्प्रिंग है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इसका लो है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, इसका ये मरकरी से बाहर निकल जाएगा सिरा, मरकरी से सिरा बाहर निकलते ही करंट रुक गई, करंट रुक गई तो जो कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी वो वापस एक्सपेंड करेगी, एक्सपेंड करेगी तो फिर से इसका सिरा मरकरी में टच करेगा, मरकरी में टच करेगा तो फिर से क्या होगा, फिर से करंट इस्टेब्लिश हो जाएगा, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, और ये बार बार सिलसिला चलता रहेगा, ये स्प्रिंग
कांटेक्ट कांटेक्ट और रिलैक्स कांटेक्ट रिलैक्स होती रहेगी, बार बार इसका सिरा मरकरी से बाहर निकलता रहेगा, बाहर वापस आता रहेगा। क्यों होगा? क्यों? क्योंकि जितने भी एडजेसेंट रिंग्स हैं इन सभी रिंग्स में करंट की डायरेक्शन सेम है, और जब सेम है करंट के रिंग कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं, और अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट है दोनों में तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दोनों में दोनों के ही पर यूनिट लेंथ पर दोनों के ही पर यूनिट लेंथ पर फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स का मैग्नीट्यूड है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R न्यूटन पर मीटर। चाहे आप PQ की पर यूनिट लेंथ पर फाइंड कर लें या RS की पर यूनिट लेंथ पर फाइंड कर लें, दोनों ही केस में पर यूनिट लेंथ फोर्स होगी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। अब यहां से इस फॉर्मूले से हम एम्पियर की डेफिनेशन फाइंड करेंगे। 1 एम्पियर, 1 एम्पियर आप याद कीजिए कि हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था। 1 एम्पियर, 1 एम्पियर क्या थी? देखो I इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी इफ क्यू इक्वल्स 1 कूलम, टी इक्वल्स 1 सेकेंड, I इक्वल्स 1 कूलम पर सेकेंड, और इसी को हमने क्या कहा था? 1 एम्पियर करंट कहा था। बट इट इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, इट इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की जब आप ये कर रहे थे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में, आपको मैंने बहुत अच्छी तरह से ठोक बजा के ये बात कही होगी कि अगर आपको डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर एग्जाम में पूछी जाए तो इसे मत लिखना, इसे मत लिखना। व्हेन करंट चार्ज ऑफ 1 कूलम पास थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, द करंट थ्रू द कंडक्टर इज 1 एम्पियर। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये डेफिनेशन नहीं है, यहां से निकल कर नहीं आया है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर निकल कर आया इससे। 1 एम्पियर कहाँ से निकल कर आया? इस वाले फॉर्मूले से निकल कर आया, इस वाले फॉर्मूले से, फोर्स पर यूनिट लेंथ से आया। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, मैं यही फॉर्मूला लिख रहा हूँ फिर से। फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर, इसको मैं गोला करके क्रॉस मार दूं ताकि आपको ये क्रॉस दिखाई दे जाए जब आप एग्जाम में इसे लिख रहे हो। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स इन फ्री स्पेस, एफ बाई एल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बाय R न्यूटन पर मीटर। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको और मॉडिफाई कर दूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 बाय R न्यूटन पर मीटर। यहां आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू है कितना? 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -7, और इसकी यूनिट लंबी सी यूनिट होती है, मैं लिख नहीं रहा। अगर आपका यहाँ I1 और I2 बाई दिवे इक्वल हो 1 एम्पियर, दोनों ही 1 एम्पियर हो, और R भी कितना है? 1 मीटर। ठीक है, तो फिर F बाय L कितना आ जाएगा? देखो ध्यान से, इसकी जगह रखा मैंने 10 टू द पावर -7, इसकी जगह ये तो 2 है ही, I1 I2 1 हो गए और ये भी 1 हो गए, तो ये आपका बना कुल मिलाकर कितना? 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब यहां से हम 1 एम्पियर की करंट निकाल करके लाते हैं। क्या लाएंगे 1 एम्पियर की करंट? क्या लाएंगे? 1 एम्पियर इज द करंट, नहीं थोड़ा सा यहाँ मुझे 1 एम्पियर लास्ट में लेना पड़ेगा, वरना तो डेफिनेशन में बहुत ही ज्यादा डेफिनेशन बहुत ज्यादा वो बन जाएगी, क्या कहते हैं, क्या बोलता हूँ मैं इन डेफिनेशंस को, टंग ट्विस्टर। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंची ऊंट की पूंछ, टंग ट्विस्टर ज्यादा लंबा बन जाएगा। तो 1 एम्पियर को लास्ट में बोल देंगे हम, लास्ट में बोल देंगे। शुरुआत कहाँ से करें? हम शुरुआत करें यहां से,
इफ टू करंट कैरिंग लॉन्ग एंड थिन कंडक्टर कैप्ट पैरेलल टू ईच अदर सेपरेटेड बाय 1 मीटर इन फ्री स्पेस एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 2×10⁻¹ न्यूटन पर मीटर ऑफ देयर लेंथ कैरिंग इक्वल करंट. मैं फिर मिस्टेक कर गया. टू करंट कैरिंग टू लॉन्ग थिन करंट कैरिंग इक्वल करंट दो टू लॉन्ग थिन करंट कैरिंग कंडक्टर कैरिंग इक्वल करंट कैप्ड सेपरेटेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 मीटर इन फ्री स्पेस एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 2×10⁻¹ न्यूटन पर मीटर ऑफ देयर लेंथ देन द करंट थ्रू ईच कंडक्टर इज 1 एम्पियर. टू इफ टू करंट कैरिंग कंडक्टर इफ टू लॉन्ग थिन करंट कैरिंग कंडक्टर कैरिंग इक्वल करंट कैप्ड एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर पैरेलल टू ईच अदर इन फ्री स्पेस एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 2×10⁻¹ न्यूटन पर मीटर लेंथ पर मीटर ऑफ देयर लेंथ देन द करंट थ्रू ईच कंडक्टर इज 1 एम्पियर. ये आपकी बन जाती है, ये पूरी बन जाती है आपकी क्या यूनिट सॉरी डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर. और इस 1 एम्पियर डेफिनेशन को का एक दूसरा नाम भी है इंटरनेशनल एम्पियर या 1 एम्पियर बोलते हैं. सिंपल सी बात है, 1 एम्पियर अगर आपको डिफाइन करने के लिए आए तो आपने यही डेफिनेशन लिखनी है. इंटरनेशनल एम्पियर डिफाइन करने के लिए आए तो भी आपको यही डेफिनेशन लिखनी है. और हालांकि मुझे उम्मीद नहीं है अब, क्योंकि इस टाइम केवल 10 स्टूडेंट हैं. आप में से 10 में से भी कई बच्चे ऐसे होंगे जो 1 एम्पियर की डेफिनेशन ये लिख देंगे, क्या 1 कूलम व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड देन द करंट थ्रू इज कंडक्टर इज 1 एम्पियर. बिल्कुल बर्बाद, एकदम बकवास. और जो अब यहाँ क्लास में है ही नहीं, प्रेजेंट नहीं है, तो उनका तो फिर मुझे पता ही नहीं, आइडिया नहीं कि कौन कहाँ किस किस टीचर से पढ़ रहा है. ये जो कंफ्यूजन है ना, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये मैं सही बता रहा हूँ, ये टीचर्स तक को भी इनमें कंफ्यूजन हो जाता है. अरे है तो सही, कई बार टीचर उसे कहते हैं कि आसिफ सर है तो सही, ये भी तो 1 एम्पियर ही है. तो 1 एम्पियर ये इट इज इक्वल टू 1 एम्पियर, दिस इज इक्वल टू 1 एम्पियर, दिस इज 1 एम्पियर. बहुत डिफरेंस है दोनों में. दिस इज 1 एम्पियर, दिस वन इज इक्वल टू 1 एम्पियर. इट इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर. तो जब डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर लिखा जाए तो हमें यही डेफिनेशन लिखनी है, ये वाली डेफिनेशन नहीं लिखनी, चाहे हमें वो इंटरनेशनल एम्पियर कहा जाए या ना कहा जाए, डेफिनेशन यही वाली लिखनी है. उम्मीद है आप सब मिस्टेक नहीं करोगे.